सुन्नी टैब आ चुका है भाई साहब। हम में से अभी कोई भी घर पे नहीं जा सकता भाई साहब। हम लोगों को जो सामान चाहिए था वो इस गाड़ी में आया है। मतलब तू ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जल्दी से भाग लो, उसको लेकर आते। बहुत जल्दी आ गया वो वैसे, क्योंकि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी भाई अभी जा चुका है, मतलब वो उसको आज जाना था तो वो चला गया है। और तो अभी मैं जा रहा हूँ, और जाने मतलब ऑब्वियसली आज बाइक मेरे पास है। और मेरे ना ये यार बहुत दर्द कर रहा है आज, दर्द तो बिल्कुल नंगा घूम रहे हैं। तो अभी मैं जाता हूँ, मुझे ना थोड़ा सा सामान भी लाना है तो वो सब भी लेकर आना है। तो चलते हैं अभी, मम्मी ने सामान मंगाया है, लेकर आ जाते हैं, क्योंकि भाई तो है नहीं तो बाइक की जिम्मेदारी पूरी मेरी। भाई आज मस्त मैं कहीं भी जा सकता हूँ बाइक से, वैसे भी जा सकता हूँ बट फिर भी आ जा भाई। एक तो ये बिल्कुल वो है भाई, भाई साहब इसको मोड़ना बहुत दिक्कत होता है, भारी है ना यार। चलो तो आ गए अभी शॉप पे, अभी सामान ले लेते हैं जल्दी से। चलो सामान ले लिया, अभी चलते हैं घर पे। आ गए भाई घर पे। अरे भाई यार घर पे आ गए अभी। ये आराम से तू ऐसी टहलती रहे, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, टहलती रहे। आप कैसे बैठे हैं? पापा मस्त ले खेल रहे हैं लेक्सी के साथ। तुम कब किस दिन खुद से नहाना अच्छे से स्टार्ट करोगे? किस दिन खुद से नहाना अच्छे से स्टार्ट करोगे? बोलोगे ये मुझे दो, ये छोड़ो, ये बताओ तुम खुद से कब से नहाना स्टार्ट करोगे अच्छे से? नाला नहीं अभी तो नाल तो लयो, पर अच्छे से तो नहीं नहा लो। पानी फेंकने को नहाना नहीं कहते, साफ होना होता है, समझे? हाँ। कैसे साफ होएंगे? मैं तो तल लेता हूँ। क्या तल लेता हूँ? चाप। क्या चाप कर लेता हूँ? बताओ कैसे साफ होगे? दूध। क्या दूध होता नहाते? दूध होंगे नहा के? हाँ। अच्छा हाँ, तुम्हारा अभी ट्रांसलेटर आया नहीं है ना स्कूल से। कितने साल के हो युवान तू? फाइव के। पांच साल का। पांच साल का? पांच साल का है। तो एक बात बता, तू अभी अभी तक नहाना नहीं सीखा? नहीं। तो कब सीखेगा? बुढ़ा हो गए? नहीं। तो जवान हो गए? वाले होते बड़े हो गए। अभी कितना बड़ा होगा तू? इतना हो गया तू, इतना ही बड़ा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आर्यन का साइज तो वाला होगा मैं तो। आर्यन की साइज का बड़ा होगा? हाँ। इतने चाहिए पापा वाले हुए, उतने चाहिए मारी वाला होता। अच्छा तो उतने साइज का बड़ा होने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम तो बहुत है। तब तक क्या तुझे मम्मी नहलाएंगी? क्यों अम्मा नहलाएंगी जब तक तुझे? चच्चा का घर है क्या तुम्हारे? कहीं भी टहलोगी? पूरे मोहल्ले में गश्त काटती फिरती है ये। कोई है, अच्छा ही है, काटो काटो। अब आ गया है भाई, मैं बस उसको जल्दी जल्दी से लेने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी से भाग लो, उसको लेकर आते। बहुत जल्दी आ गया वो वैसे, क्योंकि बहुत सुबह चला गया था ना, 6 बजे के अप्रोक्स वो निकल गया था। तो अभी आ गया है, जल्दी से लेने चलते हैं उसको। तो भाई ये आ गया, और आने के बाद घर पे जाते हैं, और आज सचिन देगा पार्टी मस्त वाली एक। चलो भाई आ गए घर पे। आज डेट क्या है सचिन? 10 तारीख। 10 तारीख है भाई आज, 10 तारीख है आज। कंपनी ने दिया सैमसंग। सुन्नी टैब आ चुका है भाई साहब। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअल में। जब मैं 10 डेज के उस जर्नी पे था, तो थ्री डेज तो मेरा घर पे बात ही नहीं हुआ था। और जो बाकी के जो 7 दिन था, मैंने उस टाइम पे घर पे कांटेक्ट किया था। और कांटेक्ट करने के बाद भाई को जब मैंने पूरा सिचुएशन ये सब कुछ बताया, तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि वो लाइक सीरियसली वो अपना जॉब वॉब सब छोड़ छाड़ के घर पर बैठा था। और बस बस ये था उसके लिए कि मैं आ जाऊँ क्या। इवन वो एक बार दिल्ली भी गया उस दौरान 7 दिन के दौरान वो दिल्ली गया, बट वो वहाँ तक मैंने मना कर दिया कि मत आ। जब वो दिल्ली पहुँच गया
तो मैंने मना कर दिया कि तू सिलीगुड़ी मत आ, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने फिर उसी के बाद ही मैंने फ्लाइट टिकट कराया था। तो वो जो जर्नी था ना 10 डेज का, तो उसमें भाई का जॉब भी चला गया था, बट फाइनली अभी उसका जॉब भी लग चुका है और उससे भी अच्छे मैं अच्छी पोस्ट पे लगाया। खैर कहीं ना कहीं मेरी वजह से जॉब गया था, मेरी वजह से जॉब गया था, और कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं अभी फाइनली, तो अच्छा लग रहा है। कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, बस मेरी तबीयत थोड़ी बुरी हो रही है आजकल। सही हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, तो हो जाएंगी चीज़ें। अभी मैं उसका काम करवा देता हूँ। भाई साहब हम लोगों को जो सामान चाहिए था वो इस गाड़ी में आया है, मतलब कि मैंने ऑर्डर करके रखा था, मुझे लगा था कि आ जाएगा सिंपली घर तक, बट उन लोग उनको पहली बार तो रास्ता वास्ता नहीं पड़ता था, फिर सामान आया तो ये गाड़ी में आ गया। और हम लोग थे पुल पार, हम लोग एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैं दवाई वगैरह कुछ लेने के लिए आया था यहाँ पर, ठीक है। और फिर दवाई ले रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ खाया भी नहीं था मैंने, हल्का कुछ खाना था, तो मैंने सोचा कि डोसा वगैरह कुछ खा लेता हूँ मैं, तो उसके बाद मेडिसिन ले लूँगा जाते ही। बट सीन कुछ अलग ही लग रहा है अभी। क्या पनौती पे पनौती हुआ है, गाड़ी में भी मतलब गाड़ी का जो चेन था वो टूट गया, तो हमने गाड़ी बनने के लिए दिया, वरना अगर हम लोगों को पता होता कि सामान वामान आ रहा है तो हम लोग गाड़ी बनने को नहीं देते, पहले सामान वहाँ पे छोड़ देते फिर यहाँ पे आते, बट सीन थोड़ा अलग हो गया है तो अभी हम लोगों को यही करना पड़ रहा है। हम में से अभी कोई भी घर पर नहीं जा सकता क्योंकि गाड़ी बनने को दे के रखा है हम लोगों ने, तो वो गाड़ी भी अगर गाड़ी बन गया होगा तो उसको ले चले, अपनी मना कर रहा है ना वो जाने को। तो अभी देख लेते हैं कि वो सीन क्या है उधर का। भाई वो जो बंदा है ना वो बिल्कुल नया है रामपुर में, उसको कुछ पता नहीं है, दैट्स व्हाई उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और इसीलिए हम जहाँ पे थे हमने उसे वहीं पे बुला लिया। हमने घर का एड्रेस वेड्रेस हमने एड्रेस दिया तो वो समझ नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि हम जहाँ पे हम वहीं पे बुला लेते फिर देखते क्या रहता है। अभी वो आ तो गए, बट चक्कर ये है कि जिम का सामान है तो वेट बहुत होगा उसमें, तो वेट की वजह से कहीं ना कहीं डामाडोल कहानी चल रही है, देखते हैं क्या रहता है। ठीक हो गई शायद, रोक लो भैया यहीं रोक लो। हो गई थी गाइस, हम लोगों को ये मिला है एक रॉड और इसमें सारा सामान है, तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं आराम से, क्योंकि हम ये ले जा सकते हैं बाइक से। क्या कहाँ पे होने, यहाँ होने ना। हमने रिसीविंग दे दिया बस, अभी इसको तो हम बाइक पे ले जा सकते हैं, तो उसको बाइक पे ले जाते हैं, बाकी रिसीविंग वगैरह हमने ले ली। अभी घर पे चलना है, जैसे तैसे इसको सामान को लेकर के घर पे पहुँचते हैं यार। तो अभी चलते हैं, जैसे तैसे करके घर पे आ चुके हैं हम लोग। ये भाई ये हाथ का ऐसे करने का है, ये इसका भी है, ये उसके भी है ना, रॉड के भी होंगे ना, तो उसको ऐसे ऐसे करने से ना बड़ा सही रहता है यार, जो नर्व्स आती है मेरे तो वैसे कट आएंगे। दो का है ये, तो पर मैंने दो के नहीं ऑर्डर करे थे, मैंने तो पांच पांच के करे थे, दो चार आठ, दो चार। ये क्या है, छोटी वाली रॉड 8 किलो 4 किलो का उठाना पड़ेगा, 5-6 बस हो गया। बाइक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सारा सामान जो भी जिम का थोड़ा सा आया है वो यहाँ पे रख दिया है मैंने। अभी चलते हैं हम बाहर, बिकॉज बाहर भी जाना है हम लोग को, अभी निकल रहे हैं हम, बिकॉज मेरे को खाने के लिए थोड़ा सा लाना है बाहर से। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, कूलर का बहुत तेज़ वाला वॉइस आ रहा था, दैट्स वाई मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ उस पर, और घर पे आके मेरा हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता नज़र आता हुआ, तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग।